तो यहाँ देख सकते हैं इस बड़े से पतीले में परवल, आलू परवल का जो सब्जी है वो तैयार किया जा रहा है। इधर बगल में ही देख सकते हैं कि यहाँ बैंगन बड़ी का तैयारी स्टार्ट हो रहा है। इधर जो है ये बड़ी को फ्राई किया जाएगा, तो पूरा जो माहौल है वो सेट है। इधर आप भीड़ देख सकते हैं, लोग कड़ी धूप में घंटों लाइन लगे रहते हैं, उसके बाद जाकर उनका नंबर आता है और जहां तक आपका नजर जाएगा आपको बस लाइन और लोग दिखेंगे। उधर जा रहा है टोमेटो प्यूरी, इधर जा रहा है जीरा पाउडर, एक तरफ भैया डाल रहे हैं धनिया पाउडर, अपना पूरा जोश करोश से काम हो रहा है, जल्दी जल्दी तैयार करना है ना। हाँ जी, लेट हो रहा है भंडारे में, ये कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, जितने लोग आ गए कोई लिमिट नहीं है। हाँ। खत्म हुआ तो फिर बनेगा, फिर बनेगा जी। तो कोई यहाँ लिमिट नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है, जितने लोग आ सकते हैं आए और आके यहाँ खाना जो है, प्रसाद जो है वो खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, और सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट, कोई स्ट्रीट फूड आपको नहीं दिखाने वाले हैं, बल्कि पटना में एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन सा मंदिर है और उसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। फिलहाल हम लोग हैं गोलघर के पास, गोलघर से आप सभी परिचित हैं, सभी को पता है जो भी पटना में रहते हैं कि गोलघर कहाँ है। तो बस हम लोग गोलघर के पास हैं और गोलघर के बिल्कुल सामने एक मंदिर है जिसका कि नाम है माँ अखंड वासिनी मंदिर। यहीं पर हम लोग आए हैं और यहीं के बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर सा मंदिर है, बहुत लंबा लंबा लाइन जो है वो लगता है अष्टमी के दिन यहाँ आने के लिए, यहाँ पूजा कर पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, तब जाके उनका नंबर जो है वो आता है। हर साल नवरात्र में इस मंदिर के द्वारा भंडारा का आयोजन किया जाता है, तो आज वो जो भंडारा वाला खाना होता है वो थोड़ा सा आपको दिखाएंगे बनते हुए। इतना ही नहीं, हम लोग मंदिर भी चलेंगे, मंदिर के अंदर का जो झलक है वो आपको दिखाएंगे, जो यहाँ के हेड पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे खुद जानेंगे इस मंदिर के बारे में। से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इस मंदिर के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, तो कॉमेंट करके बताइएगा आपको इस मंदिर के बारे में पहले से पता था। यहाँ पर एक दीप है जो कि पिछले 100 साल से जल रहा है, 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से ये जो दिया है यहाँ पर जल रहा है और आज तक वो दिया जो है कभी बुझा नहीं। तो आज है अष्टमी का दिन और अष्टमी के दिन हम लोग पूजा करने यहाँ आए हैं। ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, सबसे पहले आपको अष्टमी के दिन का जो सीन है वो दिखाते हैं। ये सारा जो भीड़ है ये अष्टमी के दिन पूजा करने के लिए है और सुबह से ही, मतलब सुबह के 3-4 बजे से ही ऐसा ही लंबा लंबा लाइन जो है वो लग जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। ये बाहर का जो थोड़ा सा सीन था आपको दिखा दिए, अब हम लोग चलेंगे अंदर की ओर और जो है जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो यहाँ के हेड पुजारी जी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानेंगे। 1914 में श्री विश्वनाथ तिवारी ब्रह्मचारी पटना आ गए थे, कामाख्या से ज्योत आया है और उस समय से आज तक जल रहा है अखंड ज्योत। हम लोग 4 पीढ़ी से यहाँ पर पटना में हैं, माँ का महिमा है, लोग आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है, 9 दिन नवरात्रा में अखंड ज्योत जलाते हैं। अभी वर्तमान में 9 दिन के लिए 30 अखंड ज्योत जल रहा है और सबका मनोकामना पूर्ण होते हैं। सुबह 4 बजे से भोर से लेके 10 बजे रात तक लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उनका मनोकामना सिद्ध होता है, हल्दी फूल चढ़ाते हैं लोग, मंगल होता है, शादी होता है, नौकरी होता है, सारा काम होता है यहाँ आने से। पटना में 1914 में आ गए थे बाबा जी हमारे। जय माता दी। तो अभी तक आपको जो कुछ भी दिखा है वो अष्टमी के दिन हो रहा था, अष्टमी का पूजा करके हम लोग चले गए वापस घर और अब आते हैं डे टू पर, यानी कि रामनवमी का दिन, यानी कि भंडारे वाला दिन, और अब आपको दिखाते हैं भंडारे का सारा मेकिंग। तो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं बट रास्ते में कुछ पुण्य का काम होता हुआ देखे तो सोचे कि रुक के आपको इस चीज़ के बारे में बताते हुए जाते हैं। तो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे ही थोड़ा आपको बात करवाते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। पूरा सतीश कुमार पप्पू, कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, MIG फ्लैट से हम लोग आज 15 साल से शरबत वितरण का काम कर रहे हैं। 4000 आदमी का व्यवस्था करते हैं। अच्छा, शरबत अच्छा। का ये हमारा शरबत, ये शरबत हमारा है। तो अभी जो जुलूस निकलने वाला है हर किसी को यहीं पे पिलाया जाएगा शरबत, है ना। हाँ, चीनी का रहता है और इसके बाद बर्फ डालते हैं इसमें। हम लोग झारखंड से स्कॉच मंगाते हैं। अच्छा, वो स्पेशल वहाँ से आता है। जी जी जी। हर साल ऑर्बिट सुपर मार्केट के सामने हम लोग आयोजन करते हैं रस बांटने का, शरबत बांटने का। 5000 लोगों को शरबत वितरण किया जाता है और इस बार की रामनवमी तो हमारे लिए वैसे भी खास है कि रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं। तो ये शरबत अगर आप पीना चाहें तो आपको आना होगा कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ के पास, ऑर्बिट सुपरमार्केट के बिल्कुल सामने ये काउंटर है। और अब हम लोग चल रहे हैं वापस से गोलघर मंदिर और वहाँ आपको दिखाने वाले हैं भंडारे का जो सारा मेकिंग है वो।
मंदिर का लोकेशन आपको बता देते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ गोलघर है और गोलघर के बिल्कुल सामने, काफ़ी सिंपल सा लोकेशन है, गोलघर के बिल्कुल सामने आपको ये मंदिर जो है ये मिल जाएगा, यही है अंदर जाने का रास्ता। यहाँ देख सकते हैं कि यहीं पर सारा खाना बनाने का काम जो है वो चल रहा है, बिल्कुल आगे में मंदिर है, गोलघर है, गोलघर से बिल्कुल सामने में मंदिर है और यहाँ पर जो सारा खाना बनाने का काम। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो सब्जी है उसका तैयारी चल रहा है, मसाले को भुना जा रहा है, मसाले को तैयार किया जा रहा है और क्वांटिटी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा सा डेग है, हांडी है और इसी में सारा मसाला जो है वो बन रहा है। ये आलू परवल का है। अच्छा, आलू परवल की सब्जी बन रहा है जी। अभी क्या क्या गया है इसमें? इसमें कस्तूरी मेथी, कश्मीरी मिर्च है, कस्तूरी मेथी है। अच्छा, किचन किंग है, गरम मसाला है, सब कुछ, मतलब बिना लहसुन प्याज का? बिना लहसुन प्याज का, प्याज यूज नहीं हुआ है। ना ना, टमाटर है, टमाटर प्यूरी, टमाटर। और इधर ये क्या हो गया? कद्दू का पेस्ट है। अच्छा, ये कद्दू, कद्दू का है, कद्दू और टमाटर इसी को यूज करके बना है? दोनों के पेट के ग्रेवी बनता है। अच्छा, तो यहाँ देखिए बिना लहसुन प्याज का जो सब्जी है ये बनाया जा रहा है। और इधर क्या भैया? ये चटनी है, चटनी रखा हुआ, इमली का, इमली का। और अभी इसमें क्या आलू, आलू डलने वाला है? आलू डलेगा जी। कितना किलो सब्जी बन रहा है? 140 किलो। 140 किलो सब्जी, टोटल 140 किलो सिर्फ सब्जी बनेगा? हाँ, 140 किलो। और बाकी और क्या क्या बनेगा? तो बाकी पूरी है, दो गो सब्जी है, बैंगन बड़ी है। वो कितना बनेगा? बैंगन बड़ी कितना? 80 किलो है। 80 किलो बैंगन बड़ी बनेगा। और कितने लोग का खाना है? ये कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, जितने लोग आ जाए कोई लिमिट नहीं है। खत्म हुआ तो फिर बनेगा? फिर बनेगा। तो कोई यहाँ लिमिट नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है, जितने लोग आ सकते हैं आए और आके यहाँ खाना जो है, प्रसाद जो है वो खा सकते हैं। ये किस में डलने वाला है? ये रायता के लिए है, ये रायता के लिए रखा हुआ है। और इधर जो है देखिए कटिंग वटिंग जो है ये चल रहा है, टमाटर वमाटर का जो कटिंग है वो यहाँ पर चल रहा है। और इधर जो है ये पूरी की तैयारी है जी, पूरी पर की है। यहाँ जो है ये बैंगन का कटिंग वटिंग जो है वो चल रहा है, बैंगन बड़ी बनाने के लिए। और लगभग 80 किलो का जो है बैंगन बड़ी वो सिर्फ बनने वाला है, तैयारी होगी। बैंगन कितना किलो है लगभग? 100 क्विंटल है। पूरी छन्ना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी भोग लगने वाला। भोग अभी नहीं लगा ना? नहीं, भोग लगेगा अभी, भोग लगने का तैयारी हो रहा है। 3 बजे भोग लगने का टाइम है। हाँ, 3 बजे भोग लगेगा। अच्छा, तो इधर पूरी जो है वो छन्ना स्टार्ट हो चुका है भोग लगने के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि ये परवल फ्राई करके रखा, ये भी भैया 1 क्विंटल होगा? हाँ, 1 क्विंटल है। क्विंटल से कम का कुछ है ही नहीं, सब क्विंटल में ही बात हो रहा है ना। यहाँ देखिए ये जो है ये पूरा परवल इधर भी है, इधर भी है, और भी इसके अलावा परवल है, सब सब फ्राई करके रखा गया है, पूरी बन रहा है। बैंगन उधर कट रहा, वो देख लिया हम लोग। बैंगन, ये मसाला लगभग हो चुका है? हाँ, बैंगन सब्जी मसाला हो गया है। और इसमें क्या आलू, आलू डलेगा? आलू डलेगा, परवल पड़ेगा इसमें। ये भैया ये साग किस चीज के लिए है? बैंगन बड़ी के लिए। अच्छा, बैंगन बड़ी में साग भी जाएगा? हाँ, बैंगन बड़ी में साग जाएगा, बड़ी जाएगा और बैंगन जाएगा, तीन चीज जाएगा, है ना? बैंगन जाएगा, बड़ी जाएगा, साग जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए साग जो है ये रखा हुआ, ये भी बैंगन बड़ी में, तीनों चीज जो है जानना। अच्छा, मूली भी जाएगा? मूली भी जाएगा। बैंगन हो गया, मूली हो गया, साग हो गया और बड़ी हो गया, ये चार चीज जो है उसे मिक्स करके बनाया जाता है। उधर जो है मसाला लगभग हो चुका है तैयार, तो अब उसे दूसरे हांडी में शिफ्ट किया जाएगा और फिर उस हांडी में आलू और परवल को डाल के फिर सब्जी को पूरी तरह से तैयार करेंगे। ये जो मसाला है ये हो चुका है तैयार, अब इसे दूसरे हांडी में डाला जा रहा है और इसी में आलू परवल डाल के सब्जी को प्रॉपर जो फाइनल टच जो है वो दिया जाएगा। ये देखिए ये एकदम बड़ा बड़ा जो टमाटर है वो इसमें रहता है, ताकि जो खाने में पूरा टमाटर का स्वाद आए आपको। अब देखिए अब जो है यहाँ से आलू आ रहा है, आलू को काट के रखा गया था और ये आलू जो है जाने वाला है मसाले में। ये देखिए ये जो पूरा आलू है इसे डाला जाएगा इस मसाले के अंदर। आलू फ्राइड नहीं रहता है, आलू को डायरेक्टली जो है वो डाला जाता है और फिर उसे पकाया जाता है। ये देखिए आधा इसे खाली कर लिया गया है और ये सारा आलू जो है अब इसमें डाला जाएगा। ये सारा आलू जो है अब इसमें भर लिया गया है, मसाला आधा कर लिए थे और अब जो है सारा आलू भर लिया। और भैया आलू के साथ इसको पकाना है ना? हाँ जी। अभी हमको लगता है 1 घंटा सब्जी में और लगने वाला है? नहीं, 1 घंटा नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा में तैयार? हाँ जी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बैंगन बड़ी का तैयारी स्टार्ट हो चुका है, ये बड़े से पतीले में गया है ढेर सारा सरसों तेल और अब जा रहा है। भैया घी जाएगा? अच्छा, सरसों तेल के बाद ऊपर से जो है ये देखिए ये जा रहा है इसमें घी। तो ये आलू परवल जो बना था उसमें भी घी डाला था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, घी में ही बना है वो भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और देखिए और एक जो छोटा सा कैन है घी का वो डाला जा रहा है। ये देखिए अब जो है फोरन लगना स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले गया लाल मिर्च, ढेर सारा लाल मिर्च।
ये आ गया भैया तेजपत्ता। हाँ तेजपत्ता है। और इधर जो है लली घी भी डाला जा रहा है। ये हो गया पंचफोड़ना। पंचफोड़ना हाँ। ये हींग हो गया। अच्छा अब जाएगा हींग। हींग जा रहा। और जो भी खाना है यहाँ बाई डिफॉल्ट आप लोग को पता ही है भंडारे वाला खाना, तो कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। सरसों तेल भी डाला जाता है और उतने ही क्वांटिटी में घी भी डाला जाता है हर सब्जी में। हरी मिर्च है आदि है। हरी मिर्च हो गया, अदरक और लहसुन। अच्छा लहसुन तो सॉरी है ही नहीं, लहसुन तो है ही नहीं, लहसुन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ये गया तेल में। और ये आ गया अदरक। अदरक है जो है पैरेलली ये बड़ी भी फ्राई होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं इस बड़े से पतीले में परवल, आलू परवल का जो सब्जी है वो तैयार किया जा रहा है। इधर बगल में ही देख सकते हैं कि यहाँ बैंगन बड़ी का तैयारी स्टार्ट हो रहा है। इधर जो है ये बड़ी को फ्राई किया जाएगा, तो पूरा जो माहौल है वो सेट है। यहाँ देखिए ये जो है तेल में ये सारा बड़ी जो है वो डाला जा रहा है। सबसे पहले फ्राई करेंगे फिर सब्जी में डाला जाता है। ओ वो भैया लाल मिर्च का घोल किस लिए तैयार किए हैं? अच्छा उसमें बड़ी फूलेगा। अच्छा अच्छा वहाँ जो है पानी में थोड़ा सा लाल मिर्च डाले हैं, उसी में बड़ी को पहले फुलाएंगे और तब सब्जी में डालेंगे। और अब जो है इधर मसाला डालना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले भैया ये क्या हो गया? कश्मीरी लाल। कश्मीरी में लाल मिर्च है। ये देखिए ये पूरा एक पैकेट जो है गया कश्मीरी लाल का। ये क्या हो गया भैया? नाम दिखाइए जरा आगे। गरम मसाला। अच्छा अब क्या हो गया? एक पैकेट और गरम मसाला। अब जा रहा है एक पैकेट कसूरी मेथी। अब क्या जाएगा भैया? टमाटो सॉस। टमाटो सॉस। अच्छा टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी। अच्छा टमाटो सॉस प्यूरी ना बोला जाता है। ये हो गया लाल मिर्च। लाल मिर्च देगी मिर्च जी। ये गया लगभग आधा पूरा बड़ा सा पैकेट में से आधा पैकेट देगी मिर्च का। और ये जाएगा टोमेटो प्यूरी। और इधर आ गया ये है धनिया। धनिया हो गया धनिया पाउडर। छोली तो मारो ना छोली से। उधर जा रहा है टोमेटो प्यूरी, इधर जा रहा है जीरा पाउडर, एक तरफ भैया डाल रहे हैं धनिया पाउडर। पूरा जोश करोश से काम हो रहा है, जल्दी जल्दी तैयार करना है ना। हाँ जी लेट हो रहा है भंडारे में, फटाफट से जो है तैयार करना है। ऑलरेडी 3 बज चुका है, एकदम जोश के साथ यहाँ काम जो है वो चल रहा है। और अब जा रहा है ऊपर से ये ढेर सारा हल्दी, पूरा एकदम वातावरण हल्दी हल्दी हो गया। अब जाएगा एक पैकेट नमक। अब जा रहा है इधर दूसरा पैकेट टोमेटो प्यूरी का। इधर ये आ गया मस्टर्ड सॉस। ये क्या था? मस्टर्ड सॉस था ना। हाँ जी जी। इधर देखिए जा रहा है दो दो कैन अब टोमेटो प्यूरी का। तो ढेर सारा मसाला, ढेर सारा चीज जो है वो डाला गया, इतना कुछ डाला गया है कि हम लोग मतलब स्पीड के साथ मैच भी नहीं कर पा रहे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ जल जा रहा है। और यहाँ देखिए ये आ गया है पूरा बैंगन, और ये सारा बैंगन गया मसाले के अंदर। काफी ज्यादा रफ्तार के साथ काम हो रहा है, एकदम फटाफट से सब कुछ हो रहा है। और इधर जो पैरेलली बड़ी जो है वो भी फ्राई हो रहा है। और इधर आलू परवल। भैया आलू तो अब गल गया होगा, अभी और गलेगा थोड़ा सा तब परवल डालिएगा। अच्छा यहाँ जो है बन रहा परवल 10-15 मिनट के बाद पड़ेगा। इधर जो है ये बड़ी छन गया, और छानने के बाद डाल रहे हैं इसको ये लाल मिर्च वाले पानी में, जिससे कि वो फूल जाए। और यहाँ देखिए ये आ रहा है ये दूसरा लॉट बैंगन का, और ये पूरा बैंगन गया फिर से। जो है ये वापस से जाएगा थोड़ा सा और बैंगन। यहाँ जो है ये बैंगन और मसाले को भुना जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ जो है बड़ी फ्राई हो रहा है और साग कट के रखा हुआ है।
तो बैंगन को अच्छे से भुना गया मसाले के साथ, और अब जो है ऊपर से जा रहा है ये साग, पालक साग है ना, पानी में इसे अच्छे से भिगो के रखा गया था, और ये जो साग है अब जा रहा है बैंगन के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं कि रायता का तैयारी जो है वो चल रहा है, जीरा को हल्का सा ड्राई रोस्ट जो है वो किया जा रहा है इसमें डाल के, और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब जो है इसको लेकर जा रहे हैं और इसे डालने वाले हैं रायता में। अच्छा, इसको पीसिएगा अभी और फिर क्या कीजिएगा? पीसने के बाद डलाएगा रायता के लिए। अच्छा, इधर देखिए बैंगन बड़ी जो है बन रहा है, और अब जो है इसमें डल रहा है मूली। आधा घंटा का समय बीत चुका है इसे बनते हुए, पहले बैंगन डाले, फिर साग डाले, अब जो है इसमें डाले हैं मूली, और बड़ी जो है लास्ट में डलता है, सबसे लास्ट में वो। जी जी जी। अभी इसमें सब्जी में और कितना समय लगने वाला है? बस अभी आधा घंटा। आधा घंटा? जी जी। घंटा में तैयार? हाँ। 3 बजे पूरा फाइनल एकदम सब हो जाएगा। लोग मतलब यहाँ खाने कितने बजे से आ सकते हैं? भैया 7 बजे से लोग के लिए 7 बजे से खुलेगा भंडारा, स्टार्ट होगा 7 बजे से। गया चाट मसाला, ये जाएगा लाल मिर्च। लाल मिर्च हाँ, देखिए रायता का पूरा तैयारी चल रहा है। बगल में इधर जो है जीरा को पीसा जा रहा है, पाउडर बनाया जा रहा है, जो जीरा भी ड्राई रोस्ट हुआ था वो, और अब जाएगा इसमें ये नमक जो है अब वो डाला जाएगा इसमें। ये हो गया जीरा है ना, जीरा है, भुना हुआ जीरा है। ऊपर से ये काला नमक, अब जा रहा है ऊपर से दही, दही भी खुद से यहीं पर जमाया हुआ है। सॉस इसमें जाता है, ऊपर से सरसों तेल भी। हाँ जी, कच्चा है सरसों तेल। ये गया धनिया पत्ता, धनिया पत्ता है और हरा मिर्च है। अच्छा, धनिया पत्ता और हरा मिर्चा, और इधर रायता तैयार, तो सब कुछ जो है डाल दिया गया, अब बस इसे कर देना मिक्स और रायता जो है हो जाएगा तैयार। लास्ट में जाएगा थोड़ा सा चीनी। अभी चेक किया जा रहा है कि आलू गला है कि नहीं, अगर आलू अच्छे से गल गया है तो फिर इसमें डाल। टेस्ट में पास है भैया? सिज गया है, डाल देना है। आलू हो गया है तैयार, अच्छे से गल गया है, अब जो है इधर देखिए परवल फ्राई करके रखा गया था, ये जाने वाला है इस हांडी में। अब ये सारा परवल जो है जा रहा है हांडी के अंदर, ये लास्ट स्टेप है। परवल पूरी तरह से गला हुआ है, इसी के साथ आलू परवल का सब्जी जो है हो गया तैयार। थोड़ा सा इसे खौलाएंगे और फिर सब्जी जो है हो जाएगा तैयार। आप तो भैया कुछ नहीं डालना है ना इसमें, पूरा रेडी, पूरा तैयार। तो उधर परवल जो है हो चुका तैयार, इधर बैंगन बड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका, लास्ट में बस बड़ी वगैरह डालना है, और वक्त भी लगभग 2:30 हो गया है, तो अब हम लोग को निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वीडियो को टाइम पर डालना है, जिससे कि जो भी आना चाहे इसमें सम्मिलित होना चाहे वो आ सके, वो हो सके। अगर हम लोग हर चीज़ को और बारीकी से दिखाएंगे तो लेट हो जाएगा और फिर आप लोग आज के दिन इसमें आ नहीं पाइए। इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, ये सारा चीज़ जो हम लोग आज आपको दिखाएं ये कैसा लगा, इस मंदिर के बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर इस भंडारे में आना है, ये भंडारा वाला जो प्रसाद है वो आपको खाना है, तो वक्त बता दिए हैं, शाम में 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लोकेशन बता दिए हैं, गोल घर के पास है। आज रामनवमी का दिन है और आज ही के दिन ये भंडारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये भंडारा आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, आप लोगों को खिलाया जाए। हर साल नवरात्र में इसी तरीके से नवमी के दिन जो है ये पूरा भंडारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ना जाने कितने लोगों को यहाँ खाना खिलाया जाता है। खत्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।